आप सभी का मेरे इस ब्लॉग में स्वागत है। ठीक है, ये हमारे बहुत ही खास मित्र हैं। सब्सक्राइब करिए और क्या लाइक करिए और क्या कहते हैं कि आइए आप लोग को तालाब पे भी थोड़ा सा घुमा देते हैं। यह है मंदिर का जो बैठने का स्थल होता है, जहाँ सब बैठते हैं, खाना पीना बनाते हैं, रोट वगैरह, और फिर उसके बाद जो है सब जाते हैं भगवान को चढ़ाते हैं। ना हो इतना पानी कभी नहीं कम होता है। अच्छा, पानी हरदम इतना रहता है? इतना पानी थोड़ा कम ज़्यादा होता है, बाकी इसमें से पानी कभी सूखता नहीं है। ये जो तालाब है इसमें से पानी कहा जाता है कि कभी सूखता नहीं है। ये मंदिर पूरे तालाब के अंदर बनी हुई है और देखिए ये मंदिर जो है तालाब के अंदर है, ये पूरे बीचों बीच तालाब में है। हाँ यार, हम अगली बार आए रहे तब वो पानी इतना रहा। बस यहीं तक पानी रहा, थोड़ा सा ऊपर, और इस बार भी पानी ऊपर ही है। आइए अंदर से थोड़ा देखते हैं और दिखाते हैं। अब हम लोग आ गए हैं तालाब के नीचे, मतलब तालाब के अंदर, और हम लोग तालाब के बीच में आ चुके हैं। ताकि शंकर भगवान के शिवलिंग बनाई गई, ताकि जो श्रद्धालु आए उनको दर्शन करने में पानी मिलना ना पड़े। अच्छा, नहीं मतलब कि उस टाइम पे यहाँ पानी ज्यादा था, इसकी वजह से ये पानी में अपने से पार करके बाहर आए थे। हाँ, वही देख के यहाँ के लोगों ने। अच्छा, तब ऐसी मंदिर ही बनी है। मंदिर, अच्छा मेन मंदिर ही है। हाँ, मेन मंदिर ये है भाई लोग, जो पानी के अंदर है, मेन मंदिर ये है। और इसके बाद जो है बाकी सब जितनी भी मंदिर गए अभी है, इसके पहले जो आप लोग को दर्शन कराया हूँ मैं, वो तो बाद में बना है। आने वाले समय के इधर श्रद्धालु आने लगे इसलिए मंदिर बढ़ते गया। हाँ हाँ, इसलिए जैसे कि लोग जहाँ जैसे विकास होता है उसी से। सही बात है, बहुत ही अच्छा लगा यार यहाँ पे। ये दूसरी बार यहाँ का भी मतलब दूसरी बार यहाँ हम आए हैं। ओके, बाय बाय आप सबको, आप सबका हर पल सुबह मंगलमय हो। अब हम लोग चलते हैं बाहर, आए हैं थोड़ा सा जिस कार्य के लिए, ये वीडियो भी आप लोग को हम बना के देंगे। तो ओके, बाय बाय, आप सबका हर पल सुबह मंगलमय हो। आप लोग बहुत तरक्की करो।